सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कि हमने 200 वाट का जो है रिव्यू दिया था। ये हमारा बोर्ड है घर के लिए। गाइस, ये बोर्ड बहुत अच्छा है और आउटडोर की मैं बात ही नहीं करता अपने वीडियो में। घर के लिए जो भी होम थिएटर या एम्पलीफायर होते हैं वही बोर्ड मैं अपने वीडियोज़ में दिखाता हूँ। तो ये बोर्ड मैंने आप लोगों को दिखाया था और आप लोगों ने कहा था इसका साउंड टेस्ट कीजिए बेस टेबल के साथ, और ये भी सिखाइए कि इसमें बेस टेबल कैसे कनेक्शन करना है। ओके, सो मैं आपको कनेक्शन करके भी दिखाऊंगा। ये हमारा नॉर्मल सा बेस टेबल है, बाकी ये भी बहुत अच्छा बेस टेबल है, मैं इसे खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। ओके, और वीडियो के एंड में या फिर बीच में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिसके ज़रिए आप बहुत ही अच्छा हैवी बेस ले सकते हो, बहुत ही अच्छा जो बेस है वो आएगा आपके एम्पलीफायर में, अगर वो ट्रिक आप यूज़ करते हो तो। सो इसीलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट शुरू से लेकर के एंड तक देखिए, मैं कहीं भी ये तरीका आप लोगों को बता दूंगा। बाकी उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है। तो गाइस, इसका ओवरव्यू तो हमने पहले ही दे दिया था, तो जस्ट इस वीडियो में कुछ ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, जस्ट हम इसकी वायरिंग करने वाले हैं नॉर्मल सी। सो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। देखिए, हमारे पास ये जो हमारा बेस टेबल है ये 12 वोल्ट डीसी से रन करेगा। ओके, सो डीसी में रन करवाने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा ये कन्वर्टर यूज़ किया है, मतलब ये डीसी कन्वर्ट करेगा हमारा एसी को। सो ये ब्रिज रेक्टिफायर है, यहाँ से हमें इसका इनपुट देना है, मतलब पावर सप्लाई देनी है यहाँ से 12 वोल्ट 0-12 यहाँ पे देना है, और यहाँ से हमें 0-12 प्लस और माइनस मिल जाएगा जो कि हम इस सर्किट में यूज़ करेंगे। दोस्तों, इसके अंदर आपको एक 7805 की आईसी भी मिलेगी जिसके थ्रू जो है आप अपने ब्लूटूथ पैनल के अंदर पावर सप्लाई दे सकते हैं, बट मैं इसका यूज़ नहीं करता, मैं चार्जर से ही अपने ब्लूटूथ पैनल के अंदर पावर सप्लाई देता हूँ, उससे हमारा ब्लूटूथ पैनल सेफ रहता है। ओके, सो चलिए जल्दी से वायरिंग करते हैं। इसमें वायर्स की क्वालिटी वैसे ही ठीक नहीं है, टूट जाएंगे अगर हमने ज़्यादा इधर उधर कुछ किया तो। बाकी कोई बात नहीं, ये हमारा हम यहाँ पे जो इसके अंदर पावर सप्लाई देने वाले हैं इस बोर्ड को चलाने के लिए वो हम देंगे 24024। फिलहाल में मेरे पास यही ट्रांसफार्मर है, तो आप जो है इसके अंदर 30030 भी दे सकते हैं। और गाइस, जो मैं तरीका आगे बताऊंगा आपको बेस को इंक्रीज़ करने का, अगर वो तरीका आप यूज़ करेंगे तो आपको जो ये हीट सिंक है वो इससे बहुत बड़ी लगानी पड़ेगी, मतलब हीटिंग इशू बहुत जल्दी आएगा इसके अंदर। जितना अच्छा बेस आपको एम्पलीफायर में मिलेगा उतना ही ज़्यादा ये बोर्ड आपका हीट करेगा। तो ये छोटी सी हीट सिंक है, आपको यहाँ पे बड़ी हीट सिंक लगानी पड़ेगी या फिर फ़ैन का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप 30030 की सप्लाई पे इसे रन कर रहे हैं तो फ़ैन का यूज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ज़्यादा टाइम तक बोर्ड झेल नहीं पाएगा। ओके, सो अभी तो हम 24024 के साथ यूज़ करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम इसके कनेक्शन करते हैं। देखिए, इसके अंदर देखिए कुछ इंडिकेशन नहीं दिया गया है जो मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। नॉर्मल बंदा कोई भी इसके जल्दी से कनेक्शन नहीं कर पाएगा। बाकी ये तो हमारा ब्लूटूथ पैनल के लिए है, डायरेक्ट देख के पता चल रहा है, बट इसमें इनपुट और आउटपुट का कोई भी इंडिकेशन नहीं है। ये 3 वायर है और ये 2 वायर है। अब ये समझ नहीं आ रहा कौन सा इनपुट का है कौन सा आउटपुट का है। बाकी चलिए हम टेस्ट करते हैं, इसे देखते हैं कौन सा इनपुट आउटपुट है। मेरे हिसाब से हम इसे जो है इन करेंगे और यहाँ से 2 वायर जो हमारा आउट में निकला हुआ है यहाँ से 1 वायर और लेंगे ग्राउंड का, जो कि हमारा एम्पलीफायर बोर्ड के अंदर लगेगा। ओके, और साथ ही साथ गाइस, ये जो ड्यूल यहाँ पे लगे हुए हैं ये मैंने लगाए हैं, आपके वो इसके साथ ड्यूल नहीं मिलता है, बट आप जो है अगर ये दोनों बुक करना चाहते हैं, जैसे मैं वायरिंग कर लेता हूँ और आपको चाहिए तो आप बुक कर सकते हैं, आपको इसके साथ में ये भी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, सो गाइस, कनेक्शन बहुत ईजी है, देखिए कैसे कनेक्शन करने। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा ये कनेक्टर लगा हुआ है इनपुट के लिए। ओके, ये हमारा कनेक्टर है इनपुट के लिए जो कि डायरेक्ट ब्लूटूथ पैनल के अंदर लग जाएगा। सो सबसे पहले हम इसे हटाएंगे, आप एक बार देख लीजिए ये कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। ओके, सो ये इसका एक चैनल का यहाँ लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे इसको मैंने निकाल दिया, और एक चैनल ये यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है हमारा ग्राउंड है। सो यहीं पर हमें बेस टेबल के भी कनेक्शन करने हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा दो, ये देखिए 2 वायर हमें मिले हैं यहाँ पे। सो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा इनपुट के वायर है, मतलब डायरेक्ट जो है इसके अंदर आपका ब्लूटूथ पैनल से इनपुट आएगा और ये आउट होगा जो कि एम्पलीफायर के इनपुट में लगेगा। किसी भी बेस ट्रेवल और एम्पलीफायर के अंदर इनपुट और आउटपुट होता है, और इनपुट आउटपुट पे ही हम जो है बेस ट्रेवल के कनेक्शन करते हैं। ओके, सो क्या करेंगे, ये हमारा आउट का सेक्शन है, बेस ट्रेवल से ये आउट हो रहा है। अभी हम गैस कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि ये आउट का ही हो सकता है, ये इनपुट का भी हो सकता है। अभी हम चेक करेंगे इसे लगा करके कि सच में ये आउट है या इन है। बाकी जो हमारे बेस टेबल बोर्ड होता है उस पर लिखा होता है कौन सा इन है और कौन सा आउट है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा मैं आप लोगों को, ये हमारा 2 चैनल का है। सो यहाँ पे हम जो है एक एक चैनल में इन दोनों वायर्स को जोड़ देंगे चेक करने के लिए। तो एक चैनल हमारा ये था, तो यहाँ पे हम इसे जोड़ेंगे
अभी हमने यहाँ पे ग्राउंड के कनेक्शन हमने नहीं किए हैं क्योंकि दो ही वायर यहाँ से निकले हैं, ठीक है। तो अभी क्या कहते हैं, हम इसे यहाँ पे लगा देंगे ऐसे। ये हमारे दोनों तरफ के कनेक्शन हो गए दोनों चैनल के। अब हम ग्राउंड को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ग्राउंड हम पूरे सर्किट से कहीं से भी ले सकते हैं। तो मैं एक ग्राउंड ले लेता हूँ, ये वाला जो वायर है वो हमने ग्राउंड में जोड़ दिया है, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ग्राउंड से ही आ रहा है, ये देखिए माइनस ब्लैक कलर का वायर जो लगा है माइनस में लगाया और वहीं से हमने ग्राउंड के कनेक्शन कर दिए। ओके, सो ये हमारा जो है बेस ट्रेबल से इसमें कनेक्शन हो गया। अब हम जो है हम ब्लूटूथ पैनल के अंदर कनेक्शन करेंगे। ब्लूटूथ पैनल में ये हमारा बेस ट्रेबल का इनपुट है, ये हमारा एम्पलीफायर का इनपुट था जो कि हमारे बेस ट्रेबल के आउटपुट से कनेक्ट हो गया। अब जो है ये हमारा बेस ट्रेबल का इनपुट है, इसके अंदर हम जो है अपना ब्लूटूथ पैनल कनेक्ट करेंगे। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये हमारे पास एक कनेक्टर है ब्लूटूथ पैनल का, सो डायरेक्ट इसे हम कनेक्ट करेंगे और इसे अपने ब्लूटूथ पैनल के अंदर लगा लेंगे। सो जल्दी से हम जो है इस वायर को हटाते हैं जो इसके अंदर सोल्ड हो रखा है। सो बीच वाला हम ग्राउंड में ही कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद लेफ्ट राइट में हम कनेक्ट करेंगे। सो ये हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने इसे यहाँ कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड का निकल गया, इसको भी हम जल्दी से कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा कनेक्ट हो गया। दोस्तों बस इतना ही कनेक्शन करना होता है हमें एम्पलीफायर बोर्ड को और बेस ट्रेबल को, इनपुट आउटपुट मिलाना होता है, बस कुछ नहीं करना होता। बस अब हमें यहाँ पे ब्लूटूथ पैनल को लगाना है, ओके, और जस्ट इसके अंदर पावर सप्लाई देनी है जो कि हम अपने ट्रांसफार्मर के थ्रू देंगे। एक बार मैं ट्रांसफार्मर भी दिखा दूँ आप लोगों को, ये हमारा ट्रांसफार्मर है गाइस, ठीक है, जो कि 24024 5 एम्पीयर का आउटपुट देता है। मार्केट में लोकल ट्रांसफार्मर भी आते हैं और छोटे ट्रांसफार्मर भी आते हैं जो कि 24 वोल्ट आपको आउटपुट तो देंगे बट उतना एम्पीयर नहीं देंगे। इसका वेट लगभग 3.5 केजी के आसपास है। ओके, सो इसके अंदर हमें दो सप्लाई मिल जाती है, एक तो 012 की जो हमारे बेस ट्रेबल के लिए हो जाएगी और ये हमारा 24024 की, ये हमारे मेन वायर हैं जो कि एसी करंट में लगेंगे। सो अब जो है ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करेंगे हम डायरेक्ट इसके अंदर। उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारा है ये, इसको डायरेक्ट हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है 24024 के लिए वायर दिया हुआ है, थोड़ा सा आगे लाऊँगा मैं आपको तो दिखाऊँगा। ये देखिए ये जो है यहाँ पे 24024 लगाना है, तो जहाँ पे ब्लैक वाला वायर है हम वहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट करेंगे। ये देखिए ये हमारा ग्राउंड है, तो इसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये हटा लिया मैंने और यहाँ पे मैंने ग्राउंड के कनेक्शन इजीली कर दिए, ठीक है। अब 24024 के कनेक्शन करने हैं, तो 24024 को हम 24024 में जोड़ देंगे। दोनों रेड वाले वायर मैंने हटा दिए यहाँ से और डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के जो येलो वाले वायर हैं हमारे, ये दोनों 24024 के हैं, सो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा कनेक्ट हो गया और इसे भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर ले रहे हैं। सो गाइस ये देखिए ये कनेक्शन मैंने कर दिए। गैस जितना इजी तरीका मैं बता रहा हूँ शायद ही इतना इजी तरीका कोई बताएगा और इतने अच्छे से समझाएगा। ओके, सो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये हमारे कनेक्शन हो गए। अब ये बचा हमारा 12 वोल्ट का कनेक्शन बच रहा है ना, ये नीला वाला वायर। सो अभी सारी चीज़ें साइड करते हैं, अपने बेस ट्रेबल को हम सबसे आगे रखते हैं। ये हमारा बेस ट्रेबल है, इसके अंदर हमें कनेक्शन करने है। ये वाला बेस ट्रेबल है, इसकी पावर सप्लाई हमें देनी है। सो इसकी पावर सप्लाई में ये दो वायर है हमारे, रेड और ब्लैक वाले, ठीक है। तो हमें इसके अंदर जो है डीसी करंट देना है, ठीक है, 012 DC, तो उसको कन्वर्ट हम इससे करेंगे 012 वोल्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है ये ब्रिज रेक्टिफायर है, इसके जो बीच वाले दोनों पिने हैं ये हमारे एसी करंट की है, जिसमें कि ये हमारे दो वायर लग जाएंगे इन दोनों पिन पे। देखिए ये जो दो पिन है ना इसकी, ये वाली और ये वाली, यहाँ पे हम इन दो वायर को सोल्ड कर देंगे। अभी मैं करके दिखा भी दूंगा आप लोगों को। सो गाइज यहाँ पे हमने जो है डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से कनेक्शन कर दिए हैं इस ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर। अब यहाँ से हम रेड और ऑरेंज वाला वायर, रेड वाला वायर हमारा प्लस का है और ऑरेंज वाला वायर जो है हमारा माइनस का है, तो हम यहाँ पे सिंपल से इसे कनेक्ट करेंगे। डायरेक्ट हम वायर भी जोड़ सकते हैं और या फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है वायर को कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे छील करके और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। याद रखना प्लस वाला प्लस में और माइनस वाला माइनस में ही कनेक्ट होना चाहिए।
दोस्तों अभी जो कनेक्शन है वो हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, बस हमें ब्लूटूथ पैनल कनेक्ट करना है। आप चाहे तो डायरेक्ट इन दोनों में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर सप्लाई के लिए आप चार्जर का यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं रिकमेंड करूँगा आप चार्जर का ही यूज़ करें, इससे आपका ब्लूटूथ पैनल सेफ रहता है, ख़राब नहीं होता जल्दी। ओके, बाकी पूरे कनेक्शन हो गए। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, ये तो हमारे पास था बेस टेबल नॉर्मल वाला, जिसमें कि डायरेक्ट डीसी करंट हमें देना है, वो भी 0.12 का। मार्केट में और भी बेस्ट टेबल आते हैं जिनके अंदर आपको विद सप्लाई भी मिलता है, विदाउट सप्लाई भी मिलता है। विद सप्लाई वाले में आप डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से लगा सकते हैं। कुछ जो बेस्ट टेबल बोर्ड होते हैं वो 12.0.12 सप्लाई के होते हैं, कुछ जो सिंगल सप्लाई के भी होते हैं। तो ये हमारा सिंगल वाला था और डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से चलने वाला नहीं था, इसको डीसी में कन्वर्ट करके हमें देना था। सो जैसा आप बेस्ट टेबल लेते हैं उसी के हिसाब से आप सप्लाई भी दीजिएगा। अगर आपके बेस्ट टेबल में सप्लाई का सेक्शन है, डीसी कन्वर्टर का सेक्शन लगा हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, तो आप डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से 12.0.12 या 0.12 जैसा भी आपका बोर्ड है उसके हिसाब से आप करंट देंगे। बाकी इनपुट आउटपुट दोनों में सेम होता है, इनपुट आउटपुट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए एम्पलीफायर के इनपुट में आपका बेस टेबल का आउटपुट लगेगा और बेस टेबल के इनपुट में आपका ब्लूटूथ पैनल लगेगा, बस इस बात को ध्यान रखना आप हमेशा जब भी आप बेस टेबल के कनेक्शन करें। और ज़रूरी नहीं बेस टेबल, अगर आप लो पास फिल्टर भी कनेक्ट करते हैं अपने बोर्ड के अंदर तो भी यही बात का आपको ध्यान रखना है इनपुट और आउटपुट का। एक बार फिर से समझा देता हूँ, एम्पलीफायर के इनपुट में आपका बेस ट्रेबल या लो बास फिल्टर का आउटपुट लगाना है और जो आपका बेस ट्रेबल या लो बास फिल्टर का इनपुट है उसके अंदर आपको ब्लूटूथ पैनल का इनपुट देना है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। चलिए अब ब्लूटूथ पैनल लगाते हैं और एक बार इसे प्ले करके देखते हैं, जो हमने इनपुट और आउटपुट लगाया है क्या वो सही है। अगर नहीं है तो हम इसको एक बार एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, सो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। अब दोस्तों फाइनली सारी चीज़ें रेडी हैं, आप देख सकते हैं कोई भी अलग से कोई भी कनेक्शन नहीं किए हैं। ये नहीं मैं कोई फेक वीडियो बना रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं आपके सामने हैं। एक चैनल अभी हमने छोड़ा हुआ है इसका, एक चैनल पीछे से एक बॉक्स में कनेक्टेड है, अभी मैं आपको बॉक्स भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ एक चैनल में एक 10 इंच का स्पीकर भी चला करके दिखाऊंगा। और आप हमिंग भी चेक कर लेना, इसमें हमिंग आ रही है या नहीं आ रही। वैसे तो मैंने अभी डायरेक्ट इससे ही ब्लूटूथ पैनल कनेक्ट किया है, चार्जर का यूज़ नहीं किया है। अगर आप चार्जर का यूज़ करते हैं तो एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है, वो ये है कि चार्जर का जो ग्राउंड है उसे भी आपको इन दोनों बोर्ड के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना होगा, नहीं तो हमिंग इशू आएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं, ग्राउंड का कनेक्शन होने में दिक्कत हो जाती है, तब जा कर के हमें जो है हमिंग नॉइज आती है। बाकी अभी मैं इसे आपको लाइव टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। देखिए सारी चीज़ें मैं डायरेक्ट जो पावर सप्लाई है आपके सामने ही देने जा रहा हूँ इसके अंदर। तो ये मैं यहाँ पर पावर इन कर रहा हूँ, ट्रांसफार्मर के जो वायर हैं उसको लगा रहा हूँ। सो ये लग गया। ओके, ये हमारा ऑन हो गया। ठीक है, ये कनेक्ट भी हो गया मेरे फ़ोन से। अब मैं आपको एक चीज़ और इसके अंदर बताता हूँ। अभी तो हमने इसके अंदर वॉल्यूम के कनेक्शन नहीं किए हैं, डायरेक्ट बेस ट्रेबल कनेक्ट किया है। बहुत सारे बेस ट्रेबल में क्या होता है, हमारा एक अलग से वॉल्यूम का भी सेक्शन होता है। अगर वो वाला बेस ट्रेबल लगा रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर सेम बेस ट्रेबल लगा रहे हैं तो वॉल्यूम लगाना है तो उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। वॉल्यूम के कनेक्शन भी इनपुट और आउटपुट में ही होते हैं, वो कहीं अलग नहीं होते, और उसको भी एक बार मैं समझा दूंगा। पहले आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिए, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन मैंने हर एक चीज़ समझाई है। अगर आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपको ये कनेक्शन बहुत ही इजी लगेगा। जैसे मैंने खुद सीखा है वैसे ही मैंने आप लोगों को ये चीज़ें सिखाई हैं। हमिंग बिल्कुल नहीं आ रही क्योंकि हमने वॉल्यूम के कनेक्शन ही नहीं किए कि वॉल्यूम कम ज़्यादा करूँ। अभी नॉर्मल वॉल्यूम है, हम फ़ोन से वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे और इसके साथ जो रिमोट है या फिर इसमें जो बटन है इससे भी हम वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक बार साउंड टेस्ट देता हूँ मैं आप लोगों को। हाँ, साउंड टेस्ट देने से पहले जो मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने चाहिए थी, जो मैं आपको बताने वाला था वो मैं बता देता हूँ। दोस्तों अगर आपको हैवी बेस चाहिए, बेस फटा हुआ ना मिले, इसके लिए आपको ऐसे जो कैपेसिटर है ना दो और लेने होंगे। ठीक है, ये तरीका है, ये मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ अपने टावर के अंदर। मैंने सेम बोर्ड लगाया है और उसके अंदर पहले दो कैपेसिटर थे, थोड़े से मॉडिफिकेशन किए, मैंने ये ब्लूटूथ पैनल लगाया है उसमें, और ऐसे दो कैपेसिटर और अगर आप यहाँ पे लगा देते हो, ऐड कर देते हो, तो आपको जो बेस पंच है और जो बेस की क्वालिटी है वो बहुत ही अलग मिलेगी, बहुत ही अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो यही एक छोटी सी ट्रिक है जिसमें कि आप बेस को बहुत ही अच्छा इंक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पे दो आपको सेम लगा देने और सेम कनेक्ट
कनेक्शन करने, कोई अलग कनेक्शन नहीं करने। दो आपको बेस ट्रेबल लेने हैं दोनों, सॉरी दो आपको कैपेसिटर लेने हैं, दोनों को ऐसी सीरीज में कनेक्ट करना है और सीरीज में करने के बाद आपको दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। प्रैक्टिकल वीडियो मैं आगे बना दूंगा अगर आप लोग इस वीडियो में कमेंट करते हैं तो। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको मैं साउंड टेस्ट भी एक बार दे देता हूँ। सो एक मिनट दोस्तों, अब मैं आपको एक साउंड प्ले करके दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। दोस्तों आपने इसका पंच तो देख लिया, इसमें फड़फड़ाहट की आवाज़ आएगी क्योंकि इसका जो पर्दा है देखिए यहाँ से फटा भी हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए फटा हुआ है, और साथ ही साथ एक चीज़ और है, ये बॉक्स के अंदर नहीं है तो आपको बेस का पता नहीं चलने वाला। जो बॉक्स के अंदर है उसकी आवाज़ सुनिए और फिर बताइएगा बेस कैसा आ रहा है। और हाँ, जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आप दो कैपेसिटर और यूज़ करते हैं तो पंच जैसा अभी देखने को मिल रहा है उससे भी बहुत अच्छा आपको पंच उस समय देखने को मिलेगा, और जो अभी फड़फड़ाहट की आवाज़ आ रही थी वो भी आपको नहीं सुनाई देगी। ठीक है, तो चलिए एक सॉन्ग प्ले कर लेते हैं यही वाला, और आपको इसके बाद एक अच्छा सा सॉन्ग प्ले करके भी दिखाऊंगा। सो गाइज, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये बेस ट्रेबल, इसका ट्रेबल भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और बेस भी इसका बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। ओके, बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई, वैसे कोई ऐसा पर्पज़ नहीं था आप लोगों का टाइम बर्बाद करने का। आप लोगों ने अगर वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपने कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखी होगी। ओके, सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी स्टोर का लिंक मैं आपको अपने कमेंट में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से ये बोर्ड परचेज़ कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।